सन्मान योग गुरु रूप साध संगत जियो, वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। अज अमृत वेले दा पावन पवित्र हुक्मनामा श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी दे पावन अंग 716-717 दे उपर टोडी राग दे अंदर पंजवें गुरुदेव जी दा पंजवें घर विच बख्शिश होया ये बचन है। हजूर शब्द दियां रहाओ दियां पंक्तियां विच बख्शिश करके कहिंदे ने कि जदों अकाल पुरख जी किसे ते अपनी मेहर करदे आ, अपनी बख्शिश उपकार करदे ने, उहदी मेहर नाल फिर की कुछ तब्दीलियां आउंदियां ने। उन्हां अपने ते गल सुना के क्या कहन लगे, टोडी महला पंजवां घर पंजवां दो पदे एक ओंकार सतगुर प्रसाद ऐसो गुण मेरो प्रभ जी कीन मेरे ते प्रभु ने एवें दा उपकार कर दिता है। पंच दोख अर अहंग रोग ए तन ते सगल दूर कीन रहाओ। पंज विकार पंज दोख ते होमे दे रोग नू मेरे शरीर विचो दूर कर दिता है। हुण पंज दोख की हन? अहंग दा अर्थ है होमे दा रोग, लेकिन पंज दोख की ने और ये किवें दूर होणगे? असल विच पंच दोख शब्द जिहड़ा ये सैस्कृति भाषा दा लफ्ज़ है। सैस्कृति दे विच पंज दोख ने शब्द, स्पर्श, रस, रूप ते गंध। ये पंजे दोख जिहड़े ने पंज वख वख जीवां नूं व्यापक ने, जिवें कि शब्द दा रोग हरण नूं व्यापक के कंडे हेड़े दी आवाज़ सुन के हरण व्याकुल हो के उधर नूं भजदा है और अंत इहदी मौत हो जाती है। स्पर्शता दा रोग हाथी नूं व्यापक के वह लकड़ी दी हथनी दे उत्ते कामुक हो के जदों तुरदा है ते खड्डे विच डिगदा है, कई दिन भुखा रहिंदा है, फिर पकड़न वाले नूं पकड़ के सर्कस विच नचांदे ने, इहदे तों कम लैंदे आ लोग। इहनूं रोग व्यापक स्पर्शता दा। मच्छी नूं रोग व्यापक के रस दा, जीव दे रस दी मारी आप कुंडी विच मूंह फसा के ये खुआर हुंदी है और फिर बाजार विच ये टुकड़े टुकड़े हुंदी है। रूप दा रोग व्यापक के पतंगे नूं ते गंध दा रोग व्यापक के भौरे नूं। ये पंज दोख हरण हाथी मच्छी पतंगा ते भौरा इन्हां पंजां नूं व्यापक ने। पर गुरु साहब कहिंदे ने जदों जे ये पंज एक एक रोग एक एक जून विच हर एक जीव नूं हर एक जीव नूं व्यापक ने, ओ बंदिया तेनूं तां कल्ले नूं ही ये पंज रोग लगे हुए ने सजना, दस तेरा की बनूगा जे ये पंजां विच ही सारी जिंदगी घिरिया रहो। बाणी दा शब्द है कहन लगे, मृग भृंग पतंग कुंचर एक दोख विनाश, मृग मीन भृंग पतंग कुंचर एक दोख विनाश, पंच दोख असाध जामै तां की केतक आस। लेकिन ये पंज दोख गुरु कृपा दे नाल जीव दे विचो दूर हुंदे ने। हनेरा किसे कमरे विच चाहे कितना वी पुराना होवे, कितने सालां तो होवे, लेकिन हनेरे दी उदों तक ही मनियाद है जदों तक उस कमरे विच प्रकाश नहीं होया। जिवें ही प्रकाश उस कमरे विच हुंदा है, सालां दा हनेरा एक खिण विच खत्म हो जांदा है, क्योंकि हनेरा प्रकाश दे अगे बिल्कुल कमजोर है। हनेरे दी अपनी कोई होंद नहीं। अवगण दोख पाप इन्हां दी अपनी कोई होंद नहीं उदों तक ही ये व्यापक ने जदों तक परमात्मा दा नाम नहीं। लेकिन जदों परमात्मा दा नाम अंदर प्रगास हुंदा है, प्रगट हुंदा है, ये सारे इस तरह दूर हो जांदे ने। जिवें हनेरा दीवे दे बलियां अलोप हो जांदा, दीवा बले अंधेरा जाए, वेद पाठ मत पापां खाए। महाराज कहिंदे ने पंज दोख ते होमे दा रोग जदों गुरु परमात्मा अपना नाम हिरदे विच वसांदे ने ते दूर हो जांदे ने। ये अवस्था किन्हां नूं प्राप्त हुंदी है? महाराज ने बाणी च कहा कोई विरले हन जिन्हां नूं ये दात मिलदी। सुखमनी साहिब दा वचन है, मिथ्या नाहीं रसना परस मन में प्रीत निरंजन दर्स, परत रूप ना पेखै नेत्र साध की टहल संत संग हेत, कर न सुने काहू की निंदा सब ते जाने आपस को मंदा, गुर प्रसाद बिख्या पर हरै मन की बाशना मन ते टरै, इंद्री जित
पंच दोख ते रहत, पंच दोख अर अहंग रोग, ए तन ते सगल दूर कीन मारे। कहन लगे इंद्री जित पंच दोख ते रहत, नानक कोट मदे, करोड़ां विचों कोई एक अद्धा, हर एक नहीं करोड़ां विचों कोई एक अद्धा, नानक कोट मदे को ऐसा अपरस कोई विरला है, ऐसी अपरस अवस्था वाला। गुरु अर्जुन साहब कहिंदे ने मारे ने कृपा की अज मेरे ते गुण दिता, ए मेरे हिरदे विच नाम दा गुण प्रगट किया, पंज दुख ते होमे दे रोग नूं दूर कर दिता। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।